गंदी ड्राइविंग करो गौरव प्लीज। मैं क्या हो गया तेरे को, डर मत, कुछ नहीं कर रहा मैं। गौरव खड़े तेरे। Hey everyone, welcome back to our channel Patel Sisters। और व्लॉग आज मैं शुरू कर रही हूँ और ये रही अक्षी। और हमने कुछ सामान लिया सुपरमार्केट से। सुपरमार्केट का कोई पता नहीं होता है कि आप उसमें वहाँ शूट कर सकते हो कि नहीं, तो सामान मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है सामान। और सामान लेने के बाद अब हम थोड़ा और सामान देख रहे हैं, अब निकले ही हैं। और धूप तो इतनी है भाई, ऐसा लग रहा है कि समर्स ही है अभी तक। ठंड कहाँ है, कहाँ है ठंड। ट्रैफिक जाम हो चुका है अभी से, बल्कि वहां पूरा रोड खाली है। और ये जाके राजी नहीं, चल ले भाई चल ले। ये पूरी सजी हुई है नवरात्रि की भी चली है। ये तो यहाँ पे वैसे रहता है, बट मेरे को फेस्टिव सीजन बहुत पसंद है क्योंकि फेस्टिव सीजन काफ़ी ज़्यादा सजावट वगैरह होती है। टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी चीज़ें। ट्रैफिक तो बहुत है आज, ओ शेड मैन तो। और ये सीट बेल्ट भी नहीं बांधी है, पर हम यहाँ पहुँचने वाले हैं। बट दिस इज़ वेरी बैड, मुझे पहननी चाहिए, अभी पहन लेती हूँ। मैंने सीट बेल्ट पहन ली है और मैं अभी गौरव को फ़ोन करने वाली हूँ। मैं पूछने वाली हूँ कहाँ पर लड़की के पास में नहीं जानते हैं। कैमरा हटाओ, अब कॉल कर लेती हूँ मैं करके। मैं की फोटो है, मैं कॉल लगा रही हूँ, पता नहीं ये उठाए। हेलो, कहाँ पे? मैं काम पे। हाँ काम पे। हाँ फ्री है? हाँ फ्री हूँ। कितनी देर में आएगा, कितनी देर लगाएगा बताओ, कितनी देर में हो? कुत्ते अभी आवार आ जा, अभी टाइम तो तुझे लग ही जाएगा आने में। तेरे भरोसे वैसे हम यहाँ रह नहीं सकते, मार्केट में हमें वापस घर ही जाना पड़ेगा। तू बता अपना, आएगा तू? हाँ 15-20 मिनट में। ठीक है 15-20 मिनट तो आधा घंटा ही होता है। चलो हमें घर से पिक कर लेना, गाड़ी वहीं ड्रॉप करेंगे। ठीक है ठीक है ओके। सो हम घर जाने लगे हैं अभी सामान लेके। गौरव को फोन कर दिया है, गौरव के साथ ही निकलेंगे कहीं घूमने फिरने। और आउटफिट ऑफ द डे मैं आप लोगों को तभी दिखाऊंगी। और बाकी आप लोगों को आउटफिट देखना हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम स्टॉक कर सकते हो, पर नहीं मत करना। अच्छा ठीक है, अब हम घर जा रहे हैं, बाकी ब्लॉग हम तब करेंगे और फिर उसके बाद हम ब्लॉग जल्दी से जल्द डाल देंगे। ब्लॉग डाल देंगे ना हम जल्दी, कल तक ही डाल देंगे। कल तक डाली जाएगी। पर ये देखिए हम जा रहे हैं घर, मिलते हैं गौरव के साथ। गौरव आ चुका है और अक्षी को पैनिक अटैक्स पड़ रहा है क्योंकि स्पीड में चला रहा है। तू भी ऑनेस्टली मुझे धीरे धीरे, मुझे ज्यादा स्पीड में क्या कर रही है, वॉल्यूम थोड़ा धीरे करना। मुझे ज्यादा मतलब कि ऐसी बात नहीं है कि मुझे बहुत फास्ट कार्स, सारे मुझे फास्ट कार्स पसंद है, पर मेरे को स्लो पोक भी नहीं पसंद है। मैं क्योंकि मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैं कहीं जाती हूँ जल्दी जाती हूँ, जल्दी आती हूँ। तो मैंने गौरव को बोला यार थोड़ा जल्दी ड्राइव कर, तो अक्षी को पैनिक अटैक्स पड़ रहे हैं, देख सकते हैं आप। और गौरव को मैं आपको दिखाती हूँ गौरव ड्राइव करते हुए। क्या कर रहा है यार गौरव को ये? सीरियसली बंदा छुपिया ओवरटेक नहीं करने दे रहा, हमारी वीडियो बैन हो जाएगी, हम गालियां दे रहे हैं। नहीं होती भाई, किडिंग मी मैन, ड्राइविंग लाइक दिस। और ये है, ये देखिए यार बहुत गंदी ड्राइविंग करो गौरव प्लीज। मैं क्या हो गया तेरे को, डर मत, कुछ नहीं कर रहा मैं। गौरव खड़े तेरे। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट करना जरा नहीं पसंद है। मेरा ये होता है कि जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी आओ। आउटफिट मैंने आप लोग को अभी भी नहीं दिखाया है, मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोग का आउटफिट, क्योंकि आउटफिट है ही कुछ ऐसा। थोड़ी चीज़ें मिसिंग है, इयर रिंग्स मैंने साथ कैरी करी हुई है। पूरा एक आउटफिट बना के उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो हम लोग जा रहे हैं स्टारबक्स की कॉफ़ी के लिए। एक स्टारबक्स की कॉफ़ी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये कहीं और के साथ, ये VIP है, ये कहीं और की कॉफ़ी पी नहीं सकते हैं। ऑफकोर्स ऑडी चलाने वाले लोग जो स्टारबक्स की
मोमो ऑडी में बेचता है, वो लड़का कैसे खाएगा कहीं और की कॉफी, मतलब वो हमारा बिजनेस प्लान है गौरव, वो हमारा बिजनेस प्लान यार गौरव, मत कर भाई मत कर भाई मत कर। आप देख सकते हैं पानी का टैंक, आप देख सकते हैं। तो किसी को भी अक्षय को अगर डेट पे लेके जाना हो तो गाड़ी कछुए की तरह चलाए। हम पहुंच गए हैं स्टारबक्स कॉफी और हम जा रहे हैं, तो डरूंगी मैं, तो पागलों की तरह ड्राइव करता है बे। इन लोगों का डिस्कशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है ड्राइविंग का, तो बुढ़ते से ड्राइव करता है, मैं मर मर जाती तेरी वजह से। हम जा रहे हैं सीट मार रहे हैं, एक सीट चोर है ये देखो। पता है प्रॉब्लम क्या है मेरे को, मैं जैसे कल गया था पुलिस स्टेशन, फिर वहाँ कुछ खाया नहीं, तब मैंने मना कर। एक्सप्रेशंस हाय बेहिसाब दे, बार बन के आओ कभी तुम्हारी दुनिया में। गौरव वैसे तो तुम के गाने बहुत कम लगाता, आज कैसे लगा दिए बे? याद आ रही तुझे? बार बन के आओ कभी तुम्हारी दुनिया में। तो हाय मैंने अभी आंचल से कैमरा ले लिया, सो हम जा रहे हैं अब थोड़ा सा एक लोकेशन पे, मुझे थोड़ा सा टिक टॉक करना है, ऑब्वियसली मैं रील्स करनी है, सॉरी नॉट टिकटॉक, आई फॉरगॉट दैट टिकटॉक इज बैन फ्रॉम इंडिया। सो रील करनी थी मुझे, एक स्पेसिफिक लोकेशन में जाएंगे वहाँ करेंगे जाके, एंड सो उसको करके उसके बाद हम मिलेंगे, एंड चलो। तो गाइज हम लोगों ने कर ली है रील्स, आज बहुत सारी रील्स करी हमने, एंड अब हम घर जाएंगे। देखो दोनों दिखाती हूँ ये क्या कर रहे हैं। हाँ चल गौरव, हेलो हेलो। गौरव को लग पड़ी है भूख, इसको बस दो वीडियो बनाई है इस लड़के ने और इससे ऐसे भूख लग रही है जैसे कि पता नहीं क्या है। तूने वहाँ पे खाया था ना पास्ता स्टारबक्स पे बैठ के, छोटा सा पास्ता था यार, छोटा सा पूरा खा गया था, उसके बाद भी तुझे भूख लग रही है? वो पास्ता था, सीरियसली वो पास्ता था। तू पतला कैसे होता मुझे तो ये बता पहले। बस हो जाते हैं जैसे होना होता, ब्लैक कॉफी जिंदाबाद है हमारे लिए। चलो अब चलते हैं घर। चलो नहीं जाना घर क्योंकि एक बार जब घर घुस जाते हैं फिर घर से बाहर नहीं निकल सकते, बड़ी गंदी प्रॉब्लम। यही बात है ना, आई हेट गोइंग होम, आई सीरियसली हेट गोइंग होम। ओके सो हम पहुंच चुके हैं घर, और ये देखो कितना प्यारा शीशा है मैं आज लेके आई हूँ, मैं आप सबको दिखा देती हूँ। ये देखो बहुत सारा फ्लोरल है, ये देखें, और मैंने इसलिए लिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रील्स और इन सब में काफ़ी ज़्यादा प्यारा और लगता है रेट्रो वीडियोस एंड ऑल में, सो मेरे कुछ प्लान्स हैं वीडियोस करने के, सो इसलिए मैंने ये लिया है। धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा, आपको पता है मुझे विंटेज चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस उस हिसाब से मैंने लिया है, दो इट इज़ नॉट विंटेज बट स्टिल। अच्छा मैं अभी ज़्यादा बोल रही हूँ, ये एक्चुअली तू पॉकेट में भी आराम से इसे कैरी कर सकती है, ले जा सकती है, छोटे हैंडी बहुत ज़्यादा विंटेज टाइप का है ये, आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा फ्लोरल प्रिंट यूज होता था, तो उस हिसाब से मैंने लिया है। आंचल और आंचल की मेकअप की दुनिया जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके तो चलो अब हम करते हैं इस वीडियो का एंड, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करिए हमें बताइए। ओ मैंने आप लोगों का आउटफिट ऑफ द डे नहीं दिखाया ना, कोई बात नहीं, पिक्स डाली, पिक डाल देंगे बीच में है ना, पिक डाल देना वीडियो के बीच में। ओके हाँ पिक वीडियो के बीच में तो डाल दी होगी आपने, आप देख लेना मेरा आउटफिट ऑफ द डे। मैंने मेकअप इसलिए नहीं करा बिकॉज मुझे अभी एक और घर पे रील बनानी है और मेकअप रिमूव करके भी फेस फ्रेश फ्रेश नहीं लगता है, तो इस करके मैंने मेकअप नहीं करा। बाय मिलते हैं, और चलो मुझे रील कर रही है तो ओके बाय।